अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गरम पराठे। शुक्रिया। बाकी सब नहीं आ रहे नाश्ते पे? नहीं, अब्बा आ रहे हैं और बशारत भाई और दाऊद तो काम पे चले गए। हाय डैड। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय इकबाल, क्या हो रहा है? तुम भी बैठो ना। इकबाल, डैड को बताओ कि तुम इनसे नफरत क्यों करती हो। नफरत? मैंने तो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने मुझे खुद बताया कि तुम डैड से नफरत करती हो। डैड, आप पूछे इकबाल से। बेटा, वो मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझसे अपसेट है, और वो मुझे माफ कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। सब लोग कितने अजीब हैं। तुम्हारे अब्बा भी इन लोगों का हिस्सा ही हैं। थैंक गॉड मैं इनका हिस्सा नहीं हूं। पराठा ले लो। नहीं, मैं ये सब नहीं खा सकती, मेरा पेट खराब हो जाएगा। मुझे भी बाहर जाना है कुछ चीजें लेने के लिए। तुम अकेली कहीं नहीं जा रही हो, समझी? आई नो डैड, मैं अगर अकेली जाऊंगी तो यहाँ सब नाराज हो जाएंगे, राइट? मैं दानियाल के साथ जा रही हूँ। पैसे हैं? डॉलर्स हैं। उसको बोलो चेंज करा ले रास्ते में। ओके। इकबाल चाय बहुत अच्छी बनाती है। पराठे भी बहुत अच्छी बनाती है, ट्राई करके देखो तुम। नहीं यार, मैं आज नहीं आ सकता, तुम संभाल लेना और दुआ करना तुम्हारे भाई का सीन बन जाए। हाँ दानिया। हाँ। अगर बिजी नहीं तो बाहर जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं, आओ। नानी मुझे कॉलेज छोड़ दो। हाय, कैसी हो? अंकल, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हाँ हाँ, हम कहीं जा रहे हैं। तुम वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका, रिफत, उसे बोलो ना तुम्हें ले जाए। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे आ चुकी है कॉलेज। हम लेट हो जाएंगे, हमें तंग मत करो, चलो। किन? हम लेट नहीं हो रहे। तुम पहले सुरैया को कॉलेज ड्रॉप करो, उसका जाना वहां जरूरी है। तुम और मैं फिर चले जाएंगे बाद में, ठीक है? बाय द वे, हम लोग उस दिन क्यों नहीं जा सकते जिस दिन सुरैया को ऑफ है? We'll have fun together. हाँ, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सुरैया के एग्जाम्स हो रहे हैं, सुरैया के पास सैरो तफरी करने का टाइम नहीं है। चलो जल्दी से तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। और बुर्का तो सही से पहनो, ड्राइवर बनाया हुआ। कॉलेज छोड़ दो, पिक कर लो, कॉलेज छोड़ दो। इनको ड्राइवर बनने में कुछ नहीं आता, इनका काम करते हुए जान जाती है ना। चलो ताजी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन गांव हुआ। गांव? गांव क्या लेने जा रहे हो? मैं अम्मा अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ना चाह रहा था, और जमीन भी वहां पड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ शायद उसे बेच दूँ। ताल्लुक तो तमाम खत्म कर दिए थे तुमने, बाकी बची है जमीन, वो भी बेच दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा? ताई जी, मैं रिश्ते नहीं तोड़ना चाह रहा, ना मैं तोड़ा, वो जमीन पड़ी भी है, रख के भी मैं क्या करूंगा? रख के भी क्या करूंगा? मेरी बेटी खुर्शीद की तरह जमीन का भी इंतकाल हो जाएगा तो जान छूट जाएगी तुम्हारी।